इस टाइम हम गांव टंडेड़ा में हैं, जहां से खुर्रम अजीज साहब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी छवि है खुर्रम अजीज साहब की, और वे यहां से पहली बार प्रत्याशी हैं, प्रधान प्रत्याशी हैं। उनके विकास के मुद्दों के बारे में हम उनसे बातचीत करने के लिए उनके घर पे बैठे हैं। बतलाइए सर। सर, मैं पिछले 16 साल से गांव से बाहर था। मेरा नाम खुर्रम अजीज है, गांव में ही पला बड़ा, गांव वालों ने मुझे पैदा किया, गांव वालों ने मुझे पढ़ा लिखा, फिर मैं कारोबार के लिए बाहर चला गया। उसके बाद फिर गांव वालों ने मुझे अभी बात की कि चुनाव के बारे में, तो गांव के मुद्दे ये थे कि गांव में क्या गांव की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है या नहीं। देखिए, इस गांव ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो इस गांव के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इस गांव का एक नागरिक होने के नाते, इस गांव का एक बेटा होने के नाते इस गांव की सेवा करूँ। मकसद सिर्फ एक है, सेवा करना है। और गांव में बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे भाई। सबसे पहले तो गांव के जो 10 तालाब हैं उनसे 9 की हालत क्या है वो हम सबसे छुपी हुई नहीं है। उनमें वो कंबला क्या होता है वो उनको जो है भरा हुआ है, उसमें पानी का कोई निकास नहीं है। दिल्ली सरकार ने नई नई झीलें बनाई, क्योंकि वाटर लेवल जो है जुगा तो रुका रहे, लेकिन हमारे पास जो झील या तालाब थे हम उन्हीं को सही नहीं रख पा रहे, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा गांव में सड़कों की जो व्यवस्था है वो आप छुपी भी नहीं है किसे, और ये इंटर कॉलेज या हाई स्कूल कोई भी हमारे यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है। शिक्षा को लेकर हमारा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब से 20 साल पहले जब मैं पढ़ता था, 25 साल पहले, तो हमें गांव वालों को ककरौली और जानसर जाना पड़ता था, और हमारे पास में गांव है जरूकटिया, वो भी वहीं जाते थे, जानसर या ककरौली। लेकिन आज उन्होंने इंटर कॉलेज बना लिया, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम उनसे पीछे जा चुके 20 साल। हम आज भी जड़वकटिया या ककरौली या जानसर ही जा रहे हैं। हमारे गांव की बेटियां पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि उसके पीछे वजह है क्योंकि हमारे एक अच्छा स्कूल नहीं है। मैं गांव में देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि बच्ची बड़ी हो गई है, 8th क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में जाते हैं, लेकिन अब वो जाए कैसे स्कूल, माहौल नहीं है, माहौल ख़राब है। एक बेटी का बाप होना कितनी बड़ी उसकी बात है आज की डेट में, ये शब्दों को किसी छुपी हुई बात नहीं है। बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जी। मुद्दे तो मेरे भाई बहुत सारे हैं। गांव में पानी का निकास, इस महल्ले में पानी का जो निकास है वो बहुत पहले से नहीं है, क्या वो मुद्दा सुधर नहीं सकता? सुधर सकता है जी। उधर बड़ा स्कूल जो है, हमारे पास जगह भी है, जो भेड़े के रास्ते में बड़ा स्कूल है, हमारे पास जगह भी है, लेकिन वहाँ आज तक के भी कोई स्कूल नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि प्रधानों ने इस बारे में सोचा नहीं है। अरे भाई, प्रधान उसको बनाए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे ही वोट दें, मैं ये कहूँगा कि प्रधान उसको बनाए जो गांव के प्रति ईमानदार हो, सारे धर्मों का सम्मान करता हो, जात पात धर्म बिरादरी से अलग हटके एक इंसानियत सबसे पहला धर्म होता है, सब धर्म बराबर है, सभी का विकास, गांव सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है वो रखना है। हम सब मिलकर अगर गाँव की सेवा करेंगे तो उम्मीद है कि गाँव बेहतर बनेगा जी। मच्छरों की हालत क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं सर। जैसे यहाँ पे बसों की कोई सुविधा नहीं है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, उसके बारे में आपका क्या कहना सर? इस इलाके में हमारे 10-20-50 गांव में टंडेड़े की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, सबसे पहले बस व्यवस्था हमारे गांव में आती थी। जब कभी डंडा मर्सरी गाड़ी होती थी, मैंने सुना है, मेरे वालिद साहब दादा बताते थे, वो सबसे पहले बस जो हमारे गाँव में आती थी, लेकिन आज हमारे गाँव से बस ही गायब है। कितनी शर्म की बात है, जिस गांव में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, बस आती हो सरकारी अंग्रेज जमाने तक से, और वो उस गांव में आज बस की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कहां सोए हुए हैं प्रधान? जैसे कि गौशाला से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, गांव से बछड़ों से इनसे, तो आप गौशाला के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गौशाला के लिए एक जगह बना सकते हैं, गौशाला एक बनाई जा सकती है, अगर कोशिश करें तो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इंतजाम हो सकता है, ताकि हमारी फसलें भी बच जाए और गांव की गाय की रक्षा भी हो जाए। गाय माता हमारी माता है, उसकी रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, और अपनी फसलों को बचाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आशा करता हूँ कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम गौशाला बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको निशान क्या मिला है प्रधानी प्रत्याशी में? जी, हमारा निशान है गले का हार, चुनाव निशान हमारा जो है गले का हार है, गले की माला। चलो, ऊपर वाला आपको कामयाब बनाए। हम थे, इंटरव्यू लिया है इनका सर का हमने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और इन्होंने बहुत विकास की बात कही कि हम विकास करवाएंगे और सड़क के लेकर बातचीत करेंगे।
इसके अलावा सर सड़क टनेड़ा की जो सड़कें हैं उनका हाल इतना ख़राब है, ये खुजड़ा से और द्रवकटिया होते हुए जो मीरापुर तक का जो मार्ग है ये प्रधानमंत्री योजना से बबरे वाला जो मंदिर है उसकी वजह से बन गई है, वो इसका श्रेय ले तो बेकार है। बाकी ककोली वाला रास्ता, इसके अलावा ये भेड़े वाला रास्ता आज तक की जुगत तो ऐसे ही पड़ा है, और एक रास्ता गांव का जो बाईपास है ये यहाँ खुजड़े के रास्ते से और जाता है ककोली पीपल पर, वो रास्ता 20 साल पहले जैसे मैं छोड़ के गया था आज उससे भी उसकी बुरी हालत है। तो बड़े सोचने की बात है कि क्या उसका कोई आज तक सुधार नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोशिश नहीं करी किसी ने, और काम लाना पड़ता है जी। और एक कॉन्ट्रैक्टर को प्रधान काम देता है तो प्रधान की जिम्मेदारी है कि उस कॉन्ट्रैक्टर से काम पूरा पूरा ईमानदारी के साथ कराए, वो उसकी जिम्मेदारी है, और वो कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे भाई, एहसान गांव वालों का है कि गांव वालों ने उसे अपना जनप्रतिनिधि सुना है, और प्रधान की जिम्मेदारी है उसको जिसको भी ठेकेदार से काम कराए उससे ईमानदारी के साथ पूरा पूरा काम लिए, उसे कमीशन खोरी बंद करें। अगर प्रधान ही टेबल के नीचे से उससे कमीशन 10% 5% 20% लेगा तो विकास कैसे करेगा। अब हम अपना ईमानदारी के साथ कह सकते हैं अपनी चीनी का, पत्ती का, चाय का, दूध का, गाड़ी का, पेट्रोल का सारा खर्चा अपने पैसे से उठाएंगे, हम योजना का पैसा एक एक रुपया 100% ईमानदारी के साथ गाँव में लगाएंगे, और गाँव के 6000 लोग जो भी हैं वो 6000 लोग सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, सरकार उसे योजना के रूप में गांव में देती है, उस पैसे को ईमानदारी के साथ पूरा पूरा लगाना हमारी जिम्मेदारी है। और गांव के 6000 लोगों में से जिस भी आदमी का दिल करे वो मुझे वोट दे रहा हो या ना दे रहा हो, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो उसका पैसा है, वो मुझसे हर महीने 2 महीने 6 महीने में जब दिल करे वो आके हिसाब तलब कर सकता है, मैं हिसाब देने के लिए उसका प्रतिबद्ध। जैसे आपने कहा कि यहाँ 6000 वोट है तो यहाँ मनरेगा के जॉब कार्ड कितने हो सकते हैं, ना के बराबर है, और गांव के हालात अगर आप देखोगे तो कम से कम 100 मकान एक ऐसे हैं कि जो कल का ये गारंटी नहीं कल का साथ गिर जाए, वो कड़ी जो है उसमें टेक लगा के जो उन्होंने बेचारों ने गुजारा किया हुआ है, गांव के हालात अगर आप देखोगे तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, ये मतलब भरोसा नहीं है कब वो मकान गिर जाएगा। अभी मैंने सुना है कि कुछ मकान 55 मकान कितने जो है वो गाँव से वापस गए हैं, प्रधान ने उनको बनवाया ही नहीं, जिम्मेदारी है प्रधान की गांव में जो विकास आ रहा है जो पैसा आ रहा है उसको लगाना और भी और लेके आना, प्रधान की जिम्मेदारी हम मनरेगा कार्डों को जब बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।